दोस्तों, लाइफ कितनी आसान होती ना कि जैसा हम लाइफ में सोचते हैं और सब कुछ हमारे साथ वैसा ही होता जाए। हम सभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ वो क्यों हो रहा है, हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। बट हम जो सोचते हैं ना, वो हमारे साथ होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने हमारे लिए लिख रखा है। और अगर सब कुछ वैसा होता जाए ना, तो हम कभी उस ऊपर वाले को याद नहीं करेंगे। इसलिए जो भगवान आपके साथ करते हैं, कुछ सोच कर ही करते हैं। और इस कोरोना में तो हम सब ने बहुत ही सबक सीखा है, बहुत ही चीज़ें सीखने को मिली कि हैं लाइफ कि की सच्चाई क्या है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलका हॉबी जंक्शन। दोस्तों, ये सच बात है बिल्कुल कि बिना संघर्ष के आज तक हमें या किसी को भी लाइफ में कुछ नहीं मिला है। कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और जब तक आप स्ट्रगल ना करो ना, तब तक आपको लाइफ में जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाता। और कोरोना में तो स्पेशली हम सबने ये सीख लिया कि लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, बहुत सारे अप डाउन होते हैं, और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आपसे, वीडियो के टाइटल में आपको पता ही चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने भी इन दिनों अपनी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही है। तो सबसे पहले मैं आज अपने YouTube चैनल की भी कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो डाला है। इधर क्या हो रहा है ना, 2-3 महीने से वीडियो मैं थोड़े दिन डालती हूँ, फिर नहीं डाल पाती। पहले भी आपको पता था कि हम सबको कोविड हो गया था, पूरी फैमिली को, तो इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। और इधर क्या हो रहा है कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपनी अकाउंट आईडी देनी है, और भी कुछ डिटेल्स देनी थी जो मैंने ध्यान नहीं दी कि मुझे ये सबमिट करनी है। तो इसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। रियली बता रही हूँ मैं, कितनी दुखी हुई आप इमेजिन कर सकते हो, कि अगर जिस चीज के पीछे आप 1.5-2 साल से लगे हुए, लगभग 2 साल होने जा रहा है मेरा यूट्यूब चैनल का, और बड़ा मुश्किल से बहुत मेहनत के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। और अगर आपको लग रहा है कि चलो चीजें अब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अचानक से फिर नेगेटिव की ओर जाए, तो बहुत दुख होता है। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब तो मैं छोड़ देती हूँ यूट्यूब में वीडियो डालना, ये मेरे बस का बात नहीं है। लेकिन अगर जब इस तरह की नेगेटिव चीजें आने लगती है ना, तो वहीं पे ऐसा होता है कि अब लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं देनी चाहिए, और अगर आ भी गई तो सोचना चाहिए कि नहीं, अगर हम बिना स्ट्रगल किए अगर हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो हमें तो उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लगातार लाइफ में हैप्पीनेस चल रही हो, खुशियां चल रही हो, तो उस खुशियों का भी हमें इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं पता चलता। और कभी लाइफ में दुख आते हैं, सैडनेस आती है, और अचानक से कोई खुशी मिलती है ना, छोटी सी भी खुशी, तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस लगती है ना। तो बस वही चीज है कि जो चीजें आपकी लाइफ में स्मूथली चल रही है ना, तो उसकी हमें कद्र नहीं होती है। और यही चीजें कोरोना में बहुत देखने को मिली है। कहा भी गया है कि दुख और सुख ऐसी चीज है, जैसे सुख हम मांगने से हमें मिलता नहीं, और दुख हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में, फिर भी वो आ जाती है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मेरे भी चैनल की वजह से मैं भी बहुत, मैंने काफी कुछ फेस चीजें फेस करी, और चैनल की वजह, चैनल तो है ही एक चीज, साथ साथ और भी अभी कुछ मेरी लाइफ में काफी चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान थी इन दिनों। बट अब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, और सच में बता रही हूँ, जब चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हुई ना, तो अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि सच में अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है। तो भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही है। चैनल पहले मोनेटाइज हुआ, फिर डीमोनेटाइज हो गया, वापस से मोनेटाइज हो गया, तो आप सोच नहीं सकते कितनी खुशी मिली। और मुझे चीजों का इम्पोर्टेंस पता चला कि हाँ, कोई चीज आपके हाथ से निकल जाती है, या आपकी मेहनत अगर व्यर्थ चली जाती, वेस्ट चली जाती, तो आपको कैसा लगता है। तो एनीवेज, अब तो चैनल मोनेटाइज हो गया, और रियली बता रही हूँ, आप सभी का बहुत सपोर्ट मिला है, तो इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, और मेरी वीडियो में जो कमी है, ये जो कुछ आपको अच्छी लगती है, कुछ नेगेटिव लगती है, तो प्लीज आप कमेंट करो, तभी तो मैं जान पाऊंगी कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, या मेरी वीडियो में ऐसी क्या कमी है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और आपसे भी यही कहूंगी कि आप सभी ने भी कोरोना में बहुत सारे ऐसे फेजेस गुजारे होंगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी होगी, जिससे आपको भी कभी कभी लगा होगा बस अब नहीं, या कभी कभी ऐसा लगा हो कि मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। लेकिन सही बात है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। और सेम वही स्ट्रगल के फेज से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन अब
धीरे धीरे देख रही हूँ सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। आप बच्चों के बारे में एटलीस्ट सोच सकते हो, बच्चे इस समय कैसी सिचुएशन से गुजर रही है हम पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें याद है जब हमारा बचपन होता था तो हम तो एक दिन भी बिना खेले सोच नहीं सकते थे कि हम नहीं खेल सकते हैं, और आजकल तो बच्चे घर में ही समय गुजारते तो सोचो उनके साथ क्या बीत रहा होगा। तो इसीलिए दोस्तों कहती हूँ कि कैसी भी लाइफ आप गुजार रहे हो ना, अगर सबसे बड़ी बात है अगर आपकी फैमिली आपके साथ है और आपका बिजनेस या जॉब आप जो भी कर रहे हो वो स्मूथली चल रहा है, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आपकी सैलरी आ रही है, आपको खाने को रोटी मिल रही है, तो आज से बड़ा इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे देखा जिनकी सैलरी नहीं आ रही है, जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे होंगे। कितने लोग अपनी परिवार से बिछड़ गए कोरोना की वजह से, कितने लोग बीमार पड़ गए, तो ये तो सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप पूरा परिवार एक साथ हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है। और बस अपना काम करते रहिए, और आप अपना काम पॉजिटिव तरीके से करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, प्रोग्रेस करोगे। तो बस इस वीडियो में यही कहना चाहती थी कि मैं आपसे कि क्यों मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली और क्या क्या मैंने स्ट्रगल किए, बहुत सारे स्ट्रगल किए मैंने यूट्यूब चैनल में भी, बहुत सारे कई कई बार मैं वीडियो नहीं डाला, कई कई बार डाल दिया, कंटिन्यू डाला कि नहीं अब कुछ होगा, लेकिन कई बार नेगेटिव चीजें मुझे मिली। लेकिन बस अब तो मैं सोच रही हूँ कि बस वीडियो डालती जाऊंगी, बस आप सबका सपोर्ट मिलता जाए, और यही होप करती हूँ कि चैनल अब आगे अच्छे से चले और मैं भी कोशिश करूंगी कुछ अच्छी वीडियो बनाऊं आपके साथ शेयर करूं। तो बस आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ हर सुबह आपके लिए एक नई किरण लेकर आए, एक पॉजिटिव सोच लेकर आए। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।